दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे ऑलराउंडर क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने T20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है और इतिहास रच दिया है। जी हाँ, तो दोस्तों 4 जुलाई 2021 भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जहां एक ओर भारतीय महिला क्रिकेट के कप्तान यानी कि मिताली राज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 75 रन की नाबाद पारी खेलते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। वहीं क्रिकेटर सुबोध भाटिया T20 में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा सुबोध भाटी के बारे में, आखिर वो हैं कौन। उससे पहले, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, दिल्ली के रणजी प्लेयर सुबोध भाटी ने T20 में दोहरा शतक लगाया है और दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल और एरोन फिंच का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सुबोध भाटी ने दिल्ली की ओर से क्लब T20 मैच खेलते हुए सिम्बा के खिलाफ 79 बालों पर नाबाद 205 रन की पारी खेली थी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, क्रिस गेल ने IPL 2013 में RCB से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 बॉल पर 175 रन की पारी खेली थी, जो T20 क्रिकेट में अब तक का सबसे ज्यादा रन था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एरोन फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 76 बॉल पर 172 रन की पारी खेली थी, जो कि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सुबोध भाटी ने कौन कौन से मैच खेले हैं। तो दोस्तों, सुबोध भाटी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट ए, 39 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में 147 रन, लिस्ट ए में 132 रन और T20 में 120 रन बनाए हैं। वहीं अगर सुबोध के विकेट की बात करें तो सुबोध ने क्रिकेट के इन तीनों फॉर्मेट में कुल 103 विकेट लिए हैं। फर्स्ट क्लास में 19 विकेट, लिस्ट ए में 37 विकेट और T20 में 47 विकेट उनके नाम शामिल हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, 30 साल के सुबोध भाटी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली के रणजी प्लेयर हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।